चार महीने से गायब था ये मशहूर एक्टर, अब उनसे जुड़ी आई ये बेहद दुखद खबर, पूरी खबर जानकर रो पड़ेंगे। कहते हैं ना, एक हंसते हुए चेहरे के पीछे कई बार ऐसे गम छुपे हुए होते हैं जिन्हें जान पाना तो छोड़िए, उसके बारे में पता लगने के बाद भी उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है देश के मंझे हुए कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर का। सिद्धार्थ सागर को लोग उनके नाम से कम उनके स्क्रीन नेम सेल्फी मौसी के नाम से ज्यादा जानते हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई कि सिद्धार्थ कहीं गायब हो गए हैं। ये खबर सिद्धार्थ के ही एक दोस्त ने दी थी। ऐसे में 30 मार्च को सिद्धार्थ चार महीनों के बाद वीडियो के जरिए दुनिया के सामने आए और कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। वीडियो के जरिए पेश की अपनी बात, जब से मीडिया में सिद्धार्थ के कहीं गायब होने की खबर आई थी तब से ही लोग हैरान परेशान थे कि आखिर वो गए तो कहां गए। उनके गायब होने की खबर देते हुए उनके एक दोस्त ने फेसबुक पर एक स्टेटस डालते हुए लिखा था कि मेरा दोस्त और देश का मशहूर कॉमेडियन सिद्धार्थ बीते 3 से 4 महीने से गायब है। उसकी कोई खोज खबर नहीं है, उसके माँ बाप भी कुछ ठीक ठीक नहीं बता रहे। प्लीज आप में से किसी को भी उससे जुड़ी कोई जानकारी मिले तो जरूर बताइएगा। अब सिद्धार्थ ने किया खुलासा। इन सारी बातों के बाद आखिरकार शुक्रवार को सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो डालकर लोगों को जानकारी दी कि हाँ, मैं बीते कुछ दिनों से लापता था। मैं कहाँ और क्यों लापता था, मैं इस बात की जानकारी बहुत जल्द आप सभी को दूंगा, साथ ही मैं पूरा खुलासा करने 2 से 3 दिनों में वापस आऊंगा। सिद्धार्थ पर कुछ इस तरह से टूटा दुखों का पहाड़। सिद्धार्थ ने आगे हैरान कर देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि मुझे मेरे परिवार से शिकायत है, वो लोग मेरा शोषण करते हैं। साथ ही एक हैरान कर देने वाले खुलासे में सिद्धार्थ ने ये भी कहा है कि वो पागलखाने में थे और उनका परिवार किसी प्रॉपर्टी विवाद में फंसा हुआ है। स्पार्ट बॉय को दिए एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने बताया कि मैं बीते कुछ समय से पागलखाने में था, मेरा परिवार जमीनी विवाद में फंसा हुआ है। मैं पागलखाने में देखता था कि वहां लोगों को कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था। मैं इस चीज से डिप्रेशन में जा रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं कहां हूं और कैसा हूं। मैं इस वक्त जिन लोगों के साथ हूं उन लोगों ने ही मेरी मदद की और मुझे ट्रॉमा से निकाला। मैंने बहुतों को बताया कि मैं पागलखाने में रखा गया हूं, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। राइट दोइमले कुरो ताताई ओन मारक। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने आगे ये भी बताया कि मैं जब पागलखाने में था तब वहां एक लड़की मुझे कोई दवा दिया करती थी। उस दवा का असर होते ही मैं अपना मानसिक संतुलन खोने लगता था। बहुत से लोगों को शायद यकीन नहीं, लेकिन अपने परिवार वालों के खिलाफ मैं NC भी करवाई थी, लेकिन वो उन्होंने धोखे से गायब कर दी। मुझे पता है कि मेरे गायब होने के बाद काफी मुश्किलें हुई हैं। मैं जल्द ही अपने मैनेजर से मिलकर वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूंगा।